मैम, एक बात, जब आपने बजट की कही और कहा कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, हमने भी बिल्कुल यही होप किया था कि ग्रोथ बूस्टर जो हमने थीम भी चलाई वो यही रही, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि डीरेल ना हो जाए। जो आपने भूमि और फाउंडेशन ले की थी पिछले बजट में वो यही थी और कंटिन्यूटी हमें दिखी। अब आपने कहा 25 वर्ष के लिए हम तैयार कर रहे हैं इस बजट के द्वारा भारत आगे बढ़े, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कैसे आप डिफाइन करती हैं इसको, अगले 25 वर्ष के लिए हम कैसे इसमें समझें भूमिका बन रही है। एंड कैपेक्स की आपने बात की, 7.5 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, तो आमदनी कहाँ से आएगी, खर्चा तो आपने तैयारी कर ली है मैम। पहला प्रश्न, जी मैंने बजट की शुरुआत में ही वो बात बोली कि जी हम ट्विन ट्रैक आपके सामने रख रहे हैं। ये एक ट्रैक है जो पहले से कंटिन्यू करके आ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ही, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ही हम ये पैंडमिक अफेक्टेड इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। ठीक है पिछले बार वो शुरू हुआ, पिछले बार भी एकदम बड़ा सा अमाउंट, उससे पहले के साल से कंपेयर करते हुए ज़्यादा जी अमाउंट दिए, इस बार उसको और ज़्यादा बढ़ा करके 7.5 लाख तक। इतने पैसा पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा क्रिएटिंग असेट्स, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज या कुछ कॉमन इकोनॉमिक कॉरिडोर रनिंग थ्रू सेवरल स्टेट्स, ये सब बनाने में बहुत सारे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। आप बिजनेस मैटर्स डील करते हैं, आपको मालूम है 1 रुपया खर्च करने में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, उसका मल्टीप्लायर कन्वेंशनल एनालिसिस में ये बोला जाता है 2.95 रुपीस तक, 1 रुपया का खर्च करने में 2.95 रुपया तक आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब इकोनॉमी में आर्थिक एक्टिविटी, बढ़ेगी। जॉब्स, उधर एक उधर इन सिटू मिलेगी, ब्रिजेस, उसके लिए सीमेंट, उसके लिए स्टील, सबका, वो एक विषय है। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा नहीं करूं और रेवेन्यू में दूं, मतलब मैं सीधा उसका उदाहरण, सिंपल जो फ्लोटिंग में है उदाहरण, आपके हाथ में पैसा दूं, जी उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, मगर कितना होगा, हर 1 रुपया के लिए 0.95 ही मिलता है, लेस देन 1 रुपी मिलता है। इसीलिए मैं और पूरे हमारे टीम और प्रधानमंत्री जी का ये पिछले साल से बिलीफ है कि खर्च करो तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा जिसमें से मिलेगा आपको वो करो। टेक्निकली हम मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं, मगर उसका मतलब क्या है, जॉब भी मिलेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड सीमेंट का, स्टील का सिर्फ नहीं बढ़ेगी, उधर काम करने वाले उनके खर्च, उनके कपड़े, खाने का चीज़ और उनका इधर उधर का ट्रैवलिंग का खर्च, ये सब भी मल्टीप्लायर में इंक्लूडेड है ना। इसीलिए इसका मल्टीप्लायर ज़्यादा, हाथ में पैसा रखने का मल्टीप्लायर कम। तो वैल्यू डिस्ट्रक्ट ना हो, हाँ, आप वैल्यू एनहेंस करने की आपने बात एब्सोल्युटली। करी। तो जो ये कहीं ना कहीं ये आंसर हम समझ लें से। हरी संसार संसार बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे 24 तास